आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और परीक्षा जो आगामी एग्जाम है उनके तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो है नियुक्तियाँ जो न्यू नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन को लाए हैं। ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर होगा और इसमें उसकी व्याख्या भी समाहित है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनको कृपया आप नोट कर लें किसी नोटबुक में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला नंबर है दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। जो विनय मोहन क्वात्रा है वो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, इस तथ्य को आप याद कर लीजिए। व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के श्री विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। इस पद पर श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान उन्होंने 1 मई 2022 से लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व श्री क्वात्रा नेपाल में भारत राजदूत थे। उनसे पूर्व वह अगस्त 2017 से फरवरी 2022 के दौरान फ्रांस में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। तो ये जो आपके मोहन क्वात्रा जी हैं, ये इससे पहले क्या थे, नेपाल में भारत के राजदूत थे। वहीं से इनको अब मतलब वहाँ से इनको हटाकर सेवानिवृत्त जब हुए थे मतलब वहाँ से, तो इसके बाद इनको बना दिया गया है, विदेश सचिव बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो हैं विनय मोहन क्वात्रा हैं वो इससे पहले कहाँ के राजदूत थे। तो इससे पहले वो कहाँ के थे, नेपाल के राजदूत थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एक क्वेश्चन ये दोस्तों बन सकता है कि वो नेपाल से, जो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं वो नेपाल के राजदूत थे इससे पूर्व, लेकिन नेपाल से पहले वो कहाँ के राजदूत नियुक्त थे 17 से 20 तक, तो वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए, नंबर 2 पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष KN व्यास के कार्यकाल में पुनः वृद्धि की गई है। तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे KN व्यास के जी ने जो, तो उनके कार्यकाल में क्या किया गया है, दोबारा से वृद्धि कर दिया गया है। तो जो KN है, इनका पूरा नाम अगर देखा जाए KN व्यास का, तो इनका हो जाएगा कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास इनका पूरा नाम है। तो आगे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग अटॉर्नी इमरजेंसी कमीशन AEC के अध्यक्ष श्री KN व्यास के कार्यकाल में एक वर्ष की पुनः वृद्धि सरकार ने अप्रैल 2022 में की है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निर्देशक रहे श्री कमलेश नीलकंठ व्यास को सितंबर 2018 में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तथा इस पद पर, ठीक है, उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल 3 मई 2022 तक ही था। कार्यकाल में दूसरी वृद्धि से वह 3 मई 2023 तक इस पद पर रह सकेंगे। तो इस पद पर कितना देर तक रह सकेंगे ये आपको याद रखना है। तो ये रहेंगे 3 मई 2023 तक, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन रहते हुए वह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी हैं। तो दो इनको पद मिला है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, और इसके बाद जो हैं ये परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी बने हैं। तो दो पदों को संभाल रहे हैं आपके KN व्यास जी। आपका अगला है नंबर 3 पॉइंट, देखिए, विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनको क्या किया गया है, दूसरी बार जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जानकारी यहाँ है दोस्तों, भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
NCSC का अध्यक्ष अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया है। पंजाब के दलित नेता विजय सांपला को पहली बार फरवरी जो है 2021 में इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावों से पूर्व ही इस पद से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था। इस पद पर उनकी पुनरा जो है नियुक्ति आदेश राष्ट्रपति कार्यालय से 27 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। तो ये तथ्य थे दोस्तों, तो इनको आप याद कर लेंगे। ये पहली बार है 2021 फरवरी में क्या है इनको नियुक्ति मिली थी, फिर इन्होंने क्या है अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है पंजाब में उसके चलते इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन अभी जो अप्रैल 2022 में है इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। तो इस तथ्य को याद करेंगे। और पंजाब में आप जैसा जानते हैं कि 92 सीट जीत कर आपने क्या है सरकार बनाई है, आप सरकार बनाया है, आपका सरकार बना है वहाँ पे। फोर क्वेश्चन, अमर उजाला के तन्मय महेश्वरी को DNPA का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। जो अमर उजाला के तन्मय महेश्वरी जी हैं उनको क्या किया गया है, DNPA का अध्यक्ष चुना गया है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। व्याख्या देखते हैं हम, ये चित्र आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अमर उजाला के प्रबंध निदेशक श्री तन्मय महेश्वरी को देश की प्रिंट और टीवी की प्रमुख मीडिया कंपनी के संगठन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का अध्यक्ष अप्रैल 2022 में चुना गया है। कब चुना गया है दोस्तों, तो जो अभी अप्रैल ख़त्म हुआ है उसी में चुना गया है, अप्रैल 2022 में चुना गया है। इस पद पर दैनिक भास्कर कार्प के उप प्रबंधक निदेशक पवन अग्रवाल का स्थान उन्होंने लिया है। तो किसका स्थान लिया है, तो पवन अग्रवाल का स्थान तन्मय महेश्वरी ने लिया है। जो पवन अग्रवाल थे वो क्या थे, दैनिक भास्कर कार्प के उप प्रबंधक निदेशक थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। आगे है, मलयालम मनोरमा के मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मैथ्यू को इस संगठन का उपाध्यक्ष तथा NDTV के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी को जो कोषाध्यक्ष है वो बनाया गया है। तो ये चीज़ें आप याद कर लेंगे। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जो सुमन कुमार बेरी जी हैं उनको क्या है, नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो उपाध्यक्ष हैं इनसे पहले जो थे वो कोई और थे, राजीव कुमार थे, तो अब कौन बन गए हैं, सुमन कुमार बेरी जी बन गए हैं। और जो अध्यक्ष हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। उपाध्यक्ष का ही पूछेगा तो आप बताइएगा। व्याख्या देख लेते हैं, जाने माने अर्थशास्त्री सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर डॉक्टर राजीव कुमार जो अगस्त 2017 से आयोग के उपाध्यक्ष थे का स्थान डॉक्टर सुमन कुमार बेरी ने लिया है। डॉक्टर राजीव कुमार ने उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र अप्रैल 2022 में दे दिया था। उन्होंने 30 अप्रैल को ही कार्यमुक्त किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन व प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर की उपाधि प्राप्त डॉक्टर बेरी ने अपने करियर की शुरुआत विश्व बैंक के साथ जुड़कर की थी। विश्व बैंक में 28 वर्षों तक सेवा देने के बाद मुख्य अर्थशास्त्री भी वह रहे थे। वह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो हैं सदस्य भी रह चुके हैं। ज्ञातवत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। ये तथ्य याद रखेंगे। 6 पॉइंट है, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चल नहीं रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे आप याद रखेंगे। डॉक्टर मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। अब तो इनके बारे में जान लेते हैं। महाराजा ठीक है सयाजीव राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार डॉक्टर सोनी ने 5 अप्रैल 2022 से संभाला है। इस पद पर उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पर्सन जो चेयरमैन पद पर थे वो कौन थे, डॉक्टर प्रदीप जोशी को 4 अप्रैल 2022 को ही सेवानिवृत्त हुए थे, का स्थान डॉक्टर मनोज सोनी ने लिया है। डॉक्टर प्रदीप जोशी की सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर मनोज सोनी ही आयोग के वरिष्ठतम सदस्य थे। वर्तमान में यूपीएससी सदस्यों में निम्नलिखित जो शामिल सदस्य उनके बारे में इधर दिया गया है, इसको देख लीजिए। ये जो दिया गया है ये अभी अप्रैल तक का डाटा है, मतलब मई स्टार्ट हो गया है तो अप्रैल तक का ये डाटा है जो आप देख लीजिए कब कौन सेवानिवृत्त होगा, ये भी आप देखिए। तो डॉक्टर मनोज सोनी ये अध्यक्ष हैं, तो इनकी जो है सेवानिवृत्त होने की जो तिथि है 27 जून 2023 को ये क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्मृति नागराजन सदस्य हैं, इनका जो है कार्यकाल कितना है 21 सितंबर 2023 तक है। और एक हैं एम सत्यवती, इनका जो है 12 मई 2023 तक है। फिर भारत भूषण व्यास जी हैं, इनका जो है क्या है 14 नवंबर 2022 तक है। फिर टी सी ए अनंत, ये क्या है 2 जनवरी 2023 तक रहेंगे। और फिर है राजीव नयन चौबे जो हैं वो 27 जनवरी 2024 तक रहेंगे। तो अभी जो रिटायर होने वाले हैं नवंबर में हो जाएंगे, उनका नाम है भारत भूषण व्यास। तो भारत भूषण जो हैं वो अभी रिटायर हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये तिथि आप याद रखेंगे, सेवानिवृत्त होने की जो तिथि है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए। आगे देखिए दोस्तों, इकबाल सिंह लालपुरा दूसरी बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं उनको क्या किया गया है, दूसरी बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये दूसरी बार है, इससे पहले भी यही थे इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। तो व्याख्या देख लेते हैं हम, व्याख्या में है भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन अप्रैल 2022 में पुनर्नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु कार्यभार 13 अप्रैल 2022 से उन्होंने संभाल लिया है। इस पद पर पहली बार 10 सितंबर 2021 से उन्होंने संभाला था। आगे देख लीजिए, ज्ञातवत है कि भारतीय पुलिस सेवा सेवानिवृत्त के बाद 2012 में ठीक है भाजपा में शामिल हुए लालपुरा अल्पसंख्यक जो है आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने से पूर्व भारत के क्या हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। तो ये जो इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है लालपुरा जी के बारे में, तो ये पहले क्या हैं, पहले भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो तथ्य हैं कि ये क्या हैं, जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं वो पहले भारत के प्रवक्ता थे। कथन दो दे देगा कि कथन इसमें क्या है, ये दूसरी बार क्या किया गया है अल्पसंख्यक आयोग का है जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नियुक्ति की गई है। तो ये चीज़ें हैं, इनका जो कार्यकाल है वो कब तक है ये दिया जा सकता है, तो इस चीज़ों को आप याद कर लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं आठवां नंबर है दोस्तों, अजय कुमार सूद सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। जो अजय कुमार सूद है वो सरकार जो है उसमें क्या बने हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं या बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री, व्याख्या देखते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहे भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर
अजय कुमार सुद को भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर प्रसिद्ध जीव विज्ञान वैज्ञानिक जो है के विजय राघवन, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2022 में ही क्या हो गया है, पूरा हो गया है, का स्थान जो है सूद ने लिया है। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष के लिए की गई है, 2022 से 3 वर्ष जोड़ देंगे तो आप ये अप्रैल 2025 में इनका कार्यकाल पूरा होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, 9 नंबर है, कृष्णन रामानुजम नासकाम के नए चेयरपर्सन बने हैं, चेयरमैन बने हैं, ये याद रखेंगे। TCS के वरिष्ठ एग्जीक्यूट कृष्णन रामानुजम IIT क्षेत्र के शीर्ष संगठन नासकाम, ठीक है, ये देख लीजिए नासकाम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपेनिंग्स, तो ये है के नए चेयरमैन सत्र 2022 से 23 के लिए अप्रैल 2022 में बनाए गए हैं। तो इनको बनाया गया है जो 22 से 23 के लिए अप्रैल में ही बनाया गया है, 22 से और 23 के लिए इस पद पर रहेंगे। ठीक है, तो इसका और देख लेते हैं, इस पद पर एक्सचेंजर्स ठीक है की रेखा एम मेमन का स्थान श्री रामानुजम ने लिया है, जिनका स्थान लिया उनका नाम है दोस्तों। सत्र 2021-22 में वह इस संगठन के वाइस चेयरपर्सन थे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अनंत महेश्वरी सत्र 2022 से 23 के लिए नासकाम के वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। तो अब कौन है वाइस चेयरमैन, कौन हो गए हैं, तो ये याद रखना अनंत महेश्वरी हो गए हैं, और इस समय जो है चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो हैं वो कौन है, कृष्णन रामानुजम है, तो ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 10 नंबर, जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो जनरल मनोज पांडे जो हैं वो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ये जो तथ्य है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जितने भी आपको 10 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, इनको आप अच्छे से वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लीजिए, जिससे कि आपको हद तक याद हो जाए। कुछ इमेज जो दिख रहा है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको पहचान करने में आसानी हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी जो नेत्र क्षमता है, दृष्टि है, उससे हम बहुत सी चीज़ें क्या है 85% हम क्या करते हैं, अपने तथ्यों को जो सोर्स है उसको हम अपने अंदर समाहित करते हैं, लेते हैं ज्ञान को, तो वो है। आगे देखिए व्याख्या, जनरल मोहन पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर जनरल एम नरवड़े, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2022 को पूरा हुआ, का स्थान जनरल पांडे ने 1 मई 2022 से लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के उप प्रमुख थे। ठीक है, थल सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख रहे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 1 फरवरी 2022 से ही थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया था। जनरल नरवड़े की सेवानिवृत्ति के बाद ही थल सेना के वरिष्ठतम अधिकारी थे। जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में की कोर ऑफ इंजीनियरिंग में कमीशन दिया गया था। थल सेना का पद संभालने वाले वह पहले इंजीनियर हैं। ये जो आपके हैं मनोज पांडे, ये थल सेना के जो प्रमुख का जो पद है उसमें इसको संभालने वाले ये पहले क्या हैं, इंजीनियर है। इससे पहले कोई इस पद पे इंजीनियर नहीं बना था, इस तथ्य को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल वी सोमशेखर राजू थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है भाई, उनको जब प्रमुख बनाया गया है तो कोई उप प्रमुख का पद लेगा, जो उप प्रमुख का पद लिया है उनका नाम है वी सोमशेखर राजू, वी सोमशेखर राजू हैं। थल सेना के नौ सैन्य ऑपरेशन में महानिदेशक, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल वी सोमशेखर राजू अब थल सेना के उप प्रमुख 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर ठीक है जनरल मनोज पांडे जिन्होंने थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार 1 मई को संभाला है, 1 मई से जो संभाले हैं, का स्थान लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल वी सोम
शेखर राजू हेलीकॉप्टर पायलट भी रह चुके हैं। तो ये तथ्य थे दोस्तों। अगर दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा प्रयास थोड़ा भी पसंद आ रहा है और आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।